मतगणना को लेकर सीतापुर लोकसभा की क्या स्थिति है, आपको ज्यादा जानकारी के लिए देने के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु बताएं, सीतापुर लोकसभा सीट पर इस वक्त कैसा माहौल है और गठबंधन प्रत्याशी समेत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी के क्या हाल है? जी निशांत, आपको बता दें कि सीतापुर लोकसभा सीट पर मतगणना लगातार जारी है और हर राउंड के बाद जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी हैं राकेश राठौर, उनकी लीड लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आपको बता दें कि जो कुल मतों की संख्या है वो राकेश राठौर की वो करीब 3,30,000 से ऊपर हो गई है। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं राजेश वर्मा, वो करीब 2.5 लाख वोट ही अभी तक पा पाए हैं। और जैसा कि राकेश राठौर ने आइडिया को दिए गए इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि वो 1 लाख से करीब वोटों से जीत दर्ज करेंगे। और उसी के अनुसार जैसे ही ईवीएम खुल रही है रिजल्ट भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि राकेश राठौर अभी तक जो 1:30 बजे तक की मतगणना का हाल है 3,30,916 वोट पा चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी हैं राजेश वर्मा वो 2,51,508 वोट और महेंद्र सिंह यादव जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं वो केवल 56,841 वोट ही पाए हैं। इसके अलावा निशांत आपको बता दें जो लीड है राकेश राठौर की जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो अब बढ़कर 79,408 हो गई, तो ये काफी बड़ी बढ़त मानी जा रही है। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं या प्रत्याशी हैं उनके जो ग्रुप हैं और फेसबुक सोशल मीडिया है उस पे अभी भी लोगों को ये उम्मीद है कि अभी ये वापसी कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से लीड बढ़ रही है उस हिसाब से राजेश वर्मा का वापसी करना मुश्किल ही माना जा रहा है। और नतीजा आप देख सकते हैं कि इंडिया ने अभी एक खबर भी चलाई है कि मतगणना जो स्थल है उसके बाहर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा अभी से जो लगना शुरू हो गया है और वहां पे गठबंधन जिंदाबाद और राकेश राठौर जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। तो निशान के ताजा अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, कुल लीड अब राकेश राठौर की जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी है उनकी 79,408 हो गई है। निशान हाँ प्रियांशु, जैसा कि आपने बताया कि फेसबुक पर चल रहा है, लोग अभी भी जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन आप वहां पर मौके पर हैं इस वक्त जहां मतगणना स्थल है, तो ये बताएं कि चरण जो 33 चरण में मतगणना होनी थी तो वो भी नजदीक आ रही होगी ना, आप कहां तक लीड ले पाएंगे क्योंकि ये अंतर भी काफी बड़ा है। जी निशांत, आपको बता दें कि आधे से ज्यादा मतों की गणना करीब 65% से 70% मतों की गणना हो चुकी है और जो लीड है वो काफी ज्यादा हो गई है राकेश राठौर की, 79,000 के करीब लीड हो गई है। तो वही मैंने पहले ही बताया कि अब जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं राजेश वर्मा उनका वापसी करना कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा है, लेकिन अभी जब तक आखिरी ईवीएम नहीं खुल जाती तब तक हम किसी नतीजे पे भी नहीं पहुंच सकते। फिलहाल जो एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था कि सीतापुर की चारों सीटें दिखा दी गई थी कि जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी, वैसा कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि सीतापुर की अगर हम चार लोकसभा सीटों में से तीन की बात करें, धौरारा, सीतापुर और मोहनलालगंज, उसमें अभी तक जो है कांग्रेस और सपा गठबंधन प्रत्याशी ही लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आखिरी तक कौन एग्जिट पोल सही होते हैं गलत, फिलहाल अभी तक जो एग्जिट पोल है वो गलत ही साबित हो रहे हैं। निशा बिल्कुल, प्रियांशु एक चीज और जानना चाहेंगे आइंडे के दर्शकों को बताएं कि जैसा कि आपने बता दिया कि 79,408 मतों से आगे चल रहे हैं, 3,30,916 मत जो है राकेश राठौर पाए, 2,51,508 मत राजेश वर्मा पाए जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वही 56,841 मत बहुजन समाज पार्टी के महेंद्र सिंह यादव पाए। तो क्या आपके पास वो आंकड़े हैं जो सीतापुर लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े थे, क्योंकि उसने भी कमाल लगा सकता है बड़ा। निशांत, मैंने आपसे बताया ना कि कुल अगर वोटों की बात करें तो 11,741 मत पड़े थे सीतापुर लोकसभा सीट की पांचों विधानसभाओं में और मैंने आपको बताया कि 65 से 70% वोट खुल चुके हैं, तो अब केवल 30% वोट ही खुलने बाकी रह गए हैं और इस हिसाब से जो लीड है वो बंपर लीड कही जाएगी, 79,000 से ज्यादा मतों की लीड काफी बड़ी लीड मानी जाएगी। तो इस हिसाब से सपा और कांग्रेस गठबंधन के जो प्रत्याशी राकेश राठौर है उन्होंने दावा, माफ कीजिएगा, कांग्रेस और सपा प्रत्याशी है राकेश राठौर ने दावा किया था कि वो 1 लाख मतों से जीतेंगे और वैसा ही होता कुछ दिखाई दे रहा है। निशान बिल्कुल जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही होता दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बढ़त बता रही है 79,408 की, तो 79,408 की बढ़त है और अभी कुछ परसेंटेज ही ईवीएम मशीनें खुलनी बाकी है और आंकड़ा जैसा राकेश राठौर ने बताया था कि 1 लाख, तो वो कहीं ना कहीं आंकड़ा सच साबित होता दिख रहा है। फिलहाल
आप प्रियंशु जी नजर बनाए रखिएगा और इंडिया के दर्शकों तक सीतापुर समेत सभी अधिकांश लोकसभा सीटों का हाल जरूर बताएं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।